बैक टू माई चैनल, मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में जिट केयर जेल के बारे में आपको बताने वाली हूँ। जिट केयर जो जेल है इसमें 1% सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया गया है और जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो एक्ने ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छे से स्किन को एक्सफोलिएट करता है। इसमें कैरेटोलाइटिक एजेंट होता है और जो कैरेटोलाइटिक एजेंट होता है वो स्किन को सॉफ्ट बनाता है और शेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसका नेचर ही होता है कि ये स्किन को शेड करता है, स्किन पील होने लगती है इसको यूज़ करने के बाद, और ऐसे ही एक्सफोलिएट करते करते आपके एक्ने दूर करता है। स्कार्स की बात करूँ तो जो एक्ने से होने वाले स्कार्स होते हैं उनको भी ये दूर करेगा। तो आज की वीडियो में जिट केयर जेल के बारे में ही आपको बताने वाली हूँ। अगर आप क्लिंडामाइसिन, रेटिनॉल, एजिलिक एसिड और एडेप्लिन जेल, ये सारे जो ट्रीटमेंट एक्ने ट्रीटमेंट हैं उनके बारे में जानना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। क्या पता कोई वीडियो आपके काम आ जाए और आपको भी अगर एक्ने का प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकता है। सैलिसिलिक एसिड की बात करूं तो बहुत अच्छा होता है एक्ने ट्रीटमेंट के लिए। किस टाइप के एक्ने पे यूज़ किया जाता है तो ये सिस्टिक एक्ने जो होते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो हो जाते हैं उन पे बहुत अच्छे से काम करता है। हार्मोनल एक्ने और जो पस्ट्यूल्स होते हैं, पेप्यूल्स होते हैं, पस वाले जो दाने होते हैं उन पे ये नहीं उतने अच्छे से काम करता है। अगर आपको सिस्टिक एक्ने हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स का प्रॉब्लम है, दाने जो होते हैं ना फॉरहेड पे भी दाने हो जाते हैं, उस टाइप के एक्ने पे ये बहुत अच्छे से काम करता है। स्कार्स की बात करूँ तो कुछ लोग अपने फेस पे स्कार्स बना लेते हैं पिंपल्स को छेड़खानी करके, तो रेड गहरे दाग हो जाते हैं, वो इससे नहीं जाएंगे। पर पिंपल्स जाते जाते एक दाग छोड़ जाता है बहुत सारे लोगों की स्किन पे, तो उस टाइप के दाग धब्बों को ये दूर करता है। अच्छा, ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है तो आपकी जो न्यू स्किन आती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आती है, क्लियर आएगी, क्लीन दिखेगी। तो इसमें 1% सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया गया है। तो 1% सैलिसिलिक एसिड है तो बहुत ज़्यादा तो पीलिंग नहीं होती है इसको यूज़ करने के बाद, एक्सफोलिएट स्किन नहीं होगी, पर माइल्ड एक्सफोलिएशन इसको यूज़ करने के बाद होता है। तो मैं ये कहूँगी कि जो टीनेज टाइम पे एक्ने हो जाते हैं उन पे ये बहुत अच्छे से काम करता है, तो टीनेजर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। हार्मोनल एक्ने पे उतने अच्छे से मुझे नहीं लगा कि ये काम करता है। और इसको यूज़ कैसे करना है तो आप वैसे तो कुछ लोग इसको दिन में भी यूज़ करते हैं, नाइट में भी, आप नाइट में तो यूज़ करना ही है, पर दिन में यूज़ करते हैं तो सनस्क्रीन लगाइए, या फिर अगर आपको सनस्क्रीन लगाना पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अगर सनस्क्रीन ना लगाऊं तो अगर आपको बिल्कुल इतना प्रॉब्लम है सनस्क्रीन से नहीं लगा सकते हो तो ऐसी चीज़ें दिन में यूज़ करने से बचिए। आप ओवरनाइट ये जेल को अप्लाई कर सकते हो। जिट केयर फेस वॉश भी आता है, तो अगर आपको लगता है कि जेल्स वगैरह आपको सूट नहीं करती हैं, बहुत सारे लोगों को क्रीम्स, जेल्स सूट नहीं करती हैं, तो आप फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जिन लोगों को ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स का प्रॉब्लम रहता है वो जिट केयर का जो फेस वॉश आता है उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करेगा, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को रिमूव करेगा, जो एक्सेस ऑयल का प्रॉब्लम हो जाता है उसको भी दूर करता है। ये सैलिसिलिक एसिड जो होता है ये जो आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं उनको क्लीन करता है, ऑयल के प्रोडक्शन को कम करेगा, एक्सफोलिएट करता है जिससे कि आपके जो एक्ने हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। अच्छा, एक दो दिन में एक्ने गायब नहीं होंगे और 3-4 दिन जब आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे तो आपकी स्किन एक्सफोलिएट होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो हो सकता है एक्सफोलिएशन ना हो, जैसे कि मेरी स्किन पे 3-4 दिन में एक्सफोलिएशन नहीं नज़र आया था और इतना एक्सफोलिएट हुई भी नहीं थी स्किन, पर जब मैंने इसको 10-15 दिन तक यूज़ किया था तब मुझे थोड़ा सा एक्सफोलिएशन नज़र आया, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ही ऑयली है। इसके साथ ही अगर आपकी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा स्किन एक्सफोलिएट हो रही है इसको यूज़ करने के बाद, तो आप इसको एवरीडे नहीं लगाइए, आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे लगाइए। और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गई है तो आपको करना क्या है, आपको इसके ऊपर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है। जब आप इस जेल को यूज़ कर रहे हो तो आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको कोई माइल्ड सा फेस वॉश यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेस वॉश यूज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स
हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो बिल्कुल माइल्ड सा हो सके तो क्रीमी टेक्सचर वाला कोई भी आप फेस वॉश उसके साथ यूज़ कर सकते हो। और अगर आप जिट केयर फेस वॉश यूज़ कर रहे हो तो एक अच्छा सा माइल्ड सा और हाइड्रेट करने वाला एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र इसके ऊपर आप यूज़ करें करते हैं। इसको पूरे फेस पे लगाना है, जहाँ प्रॉब्लम हुई है वहाँ लगाना है। तो मैं कहूँगी आप इसको पूरे फेस पे लगाइए, पर अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ले रहे हो तो जहाँ आपको प्रॉब्लम है सिर्फ वहाँ लगाइए, फिर आप देखिए कि आपको कितनी ड्राइनेस हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं हो रही है तो फिर पूरे फेस पे लगाना शुरू कर दो, क्योंकि जब पूरा फेस एक्सफोलिएट होगा तो आपका पूरा फेस ही काफ़ी सॉफ्ट बन जाएगा और जो नई स्किन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, क्लीन होगी, क्लियर होगी और आपको अच्छा लगेगा आपकी स्किन देखने में। जो जिट केयर जेल है बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप 18 प्लस हैं तो बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आजकल 16-17 साल में भी पिंपल्स आने, एक्ने आने शुरू हो जाते हैं और इतना स्ट्रेस होता है और लाइफ स्टाइल ऐसा होता है, तो आप बिल्कुल तब भी इसको यूज़ कर सकते हो। और इसको यूज़ करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि स्किन ड्राई होती है तो आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना है अपनी स्किन को, हाइड्रेट रखना है। तो खूब सारा पानी पियो, फल खाओ, सब्जी खाओ, अच्छी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि बाकी सारे एक्ने ट्रीटमेंट लेने पे होते हैं, जैसे कि ड्राइनेस होना, रेडनेस होना, और अगर आप इसके ऊपर सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो स्किन हो सकता है डार्क होने लगे, ईचिंग होने लगे, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। थोड़ा बहुत ड्राइनेस होना तो ये नॉर्मल है, पर अगर आपको रेडनेस हो रही है स्किन पर, ईचिंग हो रही है इसको लगाने के बाद, तो मतलब ये आपको सूट नहीं कर रही है, आपको इसको नहीं लगाना है। एक बात और, आई एरिया पे इसको अप्लाई नहीं करना है, नोज़ के आसपास। स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है, या चिन के आसपास स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो हो सके तो ये वाले जगहों को आप अवॉइड करो, बाकी सारे फेस पे आप इसको लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए, या फिर उनको लगता है कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल कम क्वांटिटी में, जितना आपके फेस के लिए सफिशिएंट हो, एक पतली लेयर अपने फेस पे जेल की लगा लीजिए, ओवरनाइट लगे रहने दीजिए और मॉर्निंग में फेस वॉश कर लीजिए, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई ज़रूर कीजिए। तो इसके रिजल्ट्स मिलने में आपको 3 से 4 वीक्स लग जाएंगे, तब आपको इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। इसके प्राइस की बात करूँ तो 200 रुपीज़ इसका प्राइस है, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और किसी भी मेडिकल शॉप से आप इसको परचेज़ कर सकते हो, मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। कई बार क्या होता है आपके अगर स्टेट में नहीं मिल रहा हो जिट केयर, तो आप शॉपकीपर को जाके बोलो कि 1% सैलिसिलिक एसिड वाला जेल चाहिए, तो बहुत सारे कंपनीज के अलग अलग नाम के जेल्स आते हैं जिसमें 1% सैलिसिलिक एसिड होगा, वो ऐसे ही काम करेगा जैसे कि ये जिट केयर करता है, तो आप वो भी परचेस करके यूज़ कर सकते हो। तो बिल्कुल अगर आप और सारे ट्रीटमेंट ले लेके थक गए हो, और अगर आप चाहते हो सैलिसिलिक एसिड यूज़ करना, आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो, दानों का प्रॉब्लम चला जाए, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स का प्रॉब्लम चला जाए, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और बस ये है कि काम करेगा आप सही तरीके से अगर इसको यूज़ करोगे तो, और बिल्कुल आप इसको एक बार यूज़ करके देखो, और इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा पर कुछ दिन में आपको डिफरेंस नज़र ज़रूर आएगा और आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।